एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस अनाउंसमेंट के बारे में बात किया था वो यही अनाउंसमेंट था कि अब से हम इस चैनल पे एसएसटी के वीडियोस भी अपलोड करेंगे, जिसमें आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया लेके चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स सबसे पहले हिस्ट्री में यही चैप्टर पढ़ाते हैं क्योंकि ये चैप्टर इंडिया से रिलेटेड है और इसके लिए आई थिंक एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। इसी वजह से मैंने एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि इंडिया में नेशनलिज्म जो मूवमेंट था उसका बढ़ावा वो किस तरीके से हुआ। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। जब आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ोगे कि जो यूरोप में नेशनलिज्म था उसका जो रिजल्टेंट था, यानी उसका जो बाद में रिजल्ट निकला, वो बाद में यूरोप के नेशन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ अलग अलग नेशन स्टेट्स का, उसका जो प्रभाव था यानी कि नेशनलिज्म का प्रभाव वहाँ पे ये बढ़ा। इट ऑल्सो मीन्ड अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर। इसका मतलब ये भी था कि लोगों का नज़रिया बदल रहा था कि वो लोग कौन हैं और वो अपना अपना आइडेंटिटी और अपना अपना सेंस अपने अंदर उजागर कर सकते थे कि वो किस सोसाइटी से क्या बिलोंग करते हैं और उनके लिए कौन सा नेशन स्टेट अच्छा होगा। उस दरमियान न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फॉर्ज न्यू लिंक। यानी नए नए सिंबल्स जो दिए गए, नए नए आइकन्स जो दिए गए, नया नया सॉन्ग बहुत सारे कंपोजर सिंगर ने लिखा, आइडिया जो भी नई नए दी गई, वो सारी की सारी अब इन कम्युनिटी की जो बाउंड्री थी ना उसको रीडिफाइन करती थी। रीडिफाइन मतलब इसका मतलब ये वो लोग अपना अपना नज़रिया चेंज किया था कि उनके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारे देशों में उस समय में अपना एक नेशनल आइडेंटिटी बनाना, यानी कि अपना एक राष्ट्रीय पहचान बनाना बनाने का एक लंबा प्रोसेस चला, यानी बहुत वक्त लगा। एंड हाउ डिड दिस कंसियसनेस इमर्ज इन इंडिया। और क्या आप सोच सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं कि इंडिया में ये जो जागरूकता था वो कैसे हुआ, यानी कि यहाँ पे जो नेशनल आइडेंटिटी बनाना था वो किस तरीके से और कितना लंबा समय लिया और क्या क्या बना। सॉरी, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी कि इंडिया में वियतनाम की तरह ही और भी देशों की तरह ही जो यहाँ का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, नेशनलिज्म यहाँ पे जैसे आया वो कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यानी ये लोग कॉलोनियल के खिलाफ थे। मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट वो होता है जब कोई एक दूसरा देश किसी दूसरे देश पे आके राज करे तो उसको हम लोग कोलोनियलिज्म कहते हैं। तो पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कोलोनियलिज्म। यानी लोग अपना अपना पहचान जब स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में, तो लोग जान पाए कि उनका अपना आइडेंटिटी क्या है। द सेंस ऑफ बींग ऑपरेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। यहाँ के जो अलग अलग समुदाय के लोग थे वो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जुर्म सह रहे थे, दबाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं तब जाके शुरू किए आपस में एक दूसरे से कुछ संबंध बनाना और कुछ दुख दर्द समझना। वो ये समझ रहे थे कि वो बंदा भी जो जुर्म सह रहा है ब्रिटिश का, वैसे ही हम भी सह रहे, तो कहीं ना कहीं जाके एक रिलेशन फॉर्म हो रहा था। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर एक समुदाय ये जो शासन का जो असर था, यानी शासन का जो अंग्रेज शासन कहते करते थे, वो हर एक समुदाय कहीं ना कहीं अलग तरीके से फील करता था। इनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ही अलग थे, लेकिन इनका जो नोशन था, इनका जो आइडिया था, इनका जो चीज़ था कि इन्हें क्या लेना है, वो था आज़ादी, जो कि सबके बीच में सेम था, एक कॉमन चीज़ था कि उन्हें आज़ाद होना है। भले उनके जुर्म अलग अलग थे, जैसे पीजेंट्स पे कुछ अलग जुर्म थे, बाकी समुदाय के लोग पे अलग जुर्म थे, लॉयर्स पे कुछ अलग जुर्म थे, लेकिन इन सबका एक ही नोशन था कि इन्हें आज़ादी लेना है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। कांग्रेस के महात्मा गांधी ट्राई किए कि इन सारे ग्रुप को किसी एक मूवमेंट के अंतर्गत बांधा जाए, जिससे एक मास एजिटेशन यानी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा सके। बट द यूनाइटेड डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट।
लेकिन यहाँ के लोग जो थे, जैसा कि हमें पता है कि भारत बहुत ही ज़्यादा विविध देश है, तो यहाँ के लोग आसानी से एकजुट नहीं होने वाले थे बिना किसी झगड़े झंझट के। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। इसके पिछले यानी कि 9th-8th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि पहले दशक में, 20th सेंचुरी के पहले दशक में इंडिया में नेशनलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ। इन दिस चैप्टर वी विल पिकअप द स्टोरी फ्रॉम 1920s, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग 1920 से लेके स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउथ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कांग्रेस ने मदद किया जिससे नेशनल मूवमेंट हो पाया, एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और इस मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग समाज के ग्रुप के लोग एक साथ आके जुटे और आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और तब फिर लोगों के मन में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे बैठा, उस समय कैसे अलग अलग सोसाइटी के लोगों के मन में बैठा कि नेशनलिज्म क्या होता है और हमें आज़ादी लेना है अंग्रेजों के खिलाफ तो कैसे। ये देख सकते हैं आप, एक मूवमेंट का ही तस्वीर है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ फिर खिलाफत और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। 1919 के बाद हम देख सकते थे कि जो नेशनल मूवमेंट था वो नए नए जगहों पे फैल रहा था और नए नए लोग इसके पार्ट बन रहे थे, नए नए सोशल ग्रुप इसके पार्ट बन रहे थे और नया नया तरीका निकल रहा था कैसे ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे नेशनल मूवमेंट में आज़ादी लेने के लिए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट्स, हम इस डेवलपमेंट्स को कैसे समझ सकते हैं, एंड वॉट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और इनका जो मोटिव था वो क्या मोटिव था और क्या असर हुआ और क्या क्या ये लोग लागू कर पाया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल सिचुएशन, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके कारण एक नया आर्थिक और नया राजनीतिक कंडीशन आया इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस में भी। इस कारण बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ डिफेंस में, जब वॉर हुआ तो वहाँ पे जब गोलीबारी चली, झगड़ा झंझट हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्चा किया गया, विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, जिसका चूक गवर्नमेंट पूरा उसको कर रही थी वॉर लोन्स ले लेके और लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा बढ़ा के इसका चुकता कर रही थी गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटीज वेयर रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, नए नए कस्टम ड्यूटीज, जो कस्टम ड्यूटीज टैक्स लगते थे सामानों पे उसको बढ़ाया गया और नया टर्म उस समय इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, इनकम टैक्स टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918, यानी कि सामानों के दाम 1913 से लेके 1918 तक दोगुना हो गए थे, यानी जो सामान 2 रुपये का मिलता होगा वो 4 रुपये का हो गए थे। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, विलेजेस वेयर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। इस मुश्किल के बाद भी, यानी कि सब चीज़ महंगा हो रखा था उसके बाद भी, गांव से अंग्रेज लोग आते थे और बोलते थे कि तुम सोल्जर्स दो, सोल्जर्स सप्लाई कर दो, और जबरदस्ती का सेना में भर्ती कराते थे क्योंकि वॉर में सेना बहुत सारे मारे जा रहे थे, तो गांव-गांव से आते थे और वो लोग जाके ज़बरदस्ती भर्ती करा देते थे और पैसा वैसा का कोई उतना मतलब नहीं कि कितना पैसा देंगे क्या नहीं देंगे। इस कारण जितना भी गांव वाले एरिया था उसमें एकदम अच्छा खासा सबके मन में गुस्सा पैदा हो गया था। देन इन 1920-21 क्रॉप्स फेल इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, और तब फिर क्या हुआ, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में बहुत सारे पार्ट में, इंडिया के बहुत सारे पार्ट में अनाजों का नुकसान हुआ, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे कि पूरे देश भर में अकाल का स्थिति उत्पन्न हो गया। दिस वॉज अकम्पनाइड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और ये इसी के साथ साथ एक तो अकाल भी पड़ा और इसी के साथ साथ उस समय इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गया। अ
अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। 1921 में जब जनगणना हुई तो ये पता किया गया कि 12 से 13 मिलियन पीपल लोग मारे गए थे इसके रिजल्ट में, ये जो महामारी हुआ और साथ में जो अकाल पड़ा इसके रिजल्ट में 12 से 13 मिलियन पीपल लोग मारे गए थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर बट दैट डिड नॉट हैपन। लोग ये उम्मीद लगाते रहे कि इनका जो मुश्किल भरा जीवन है वो वॉर के बाद काश खत्म होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी स्टेज पे नए नए नेता लोग आए और नया मोड ऑफ स्ट्रगल दिए, यानी नया नया तरीका दिया जिससे लोग अपने परेशानी के खिलाफ स्ट्रगल कर सकते थे। The idea of सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का आइडिया कैसे आया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट। महात्मा गांधी इंडिया वापस हुए 1915 जनवरी में। ऐसा क्या आप जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई सक्सेसफुली लड़ी थी, किसके खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ। The racist with a novel method of mass agitation which called सत्याग्रह। वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था रेसिज्म के खिलाफ, काला गोरा के खिलाफ, एक नॉवल मेथड से जिसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट किए थे और वहाँ पे वो सक्सेसफुल हुए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। यानी कि सत्याग्रह का आइडिया हमें ये बताता है कि सच्चाई में कितनी ताकत है और हमें सच्चाई को ढूंढने की जरूरत क्या है। सत्याग्रह की ताकत क्या बताता है, सच्चाई में कितनी पावर है और हमें सच्चाई को ढूंढने की जरूरत क्यों है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। यानी कि सत्याग्रह का जो नियम था वो ये बताता था कि अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आपका कॉज सही है, अगर आप गलत नहीं हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें बार बार वॉयलेंस ही करना पड़े, फिजिकल फोर्स ही लगाना पड़े। हम बिना इसे लगाए नॉन वॉयलेंस पे भी कर सकते हैं। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बींग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वॉयलेंस। यानी कि बिना एग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही बिना हिंसा के ये लड़ाई जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर। इस ये ऐसे हो सकता है कि जो हमें दबा रहा है, हमें जो दबाने का कोशिश कर रहा है, इसी को बार बार अपील करके हम उनके दिमाग में कुछ आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। यानी कि जो ऑपरेसर, यानी कि जो दबा रहे हैं, उनको मजबूर करो कि वो सच्चाई को देख पाए, इंस्टीड ऑफ बींग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वॉयलेंस। मतलब ये मत करो कि उन्हें जबरदस्ती मार पीट के समझाओ कि सच्चाई क्या है, उन्हें मजबूर करो ताकि वो अपनी आंखों से नॉन वॉयलेंस की मदद से ट्रूथ को देख सके कि सच्चाई क्या है। ये आइडिया था हमारा सत्याग्रह का। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस बुक से ही एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे कि वॉट वॉज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph। और इस तरीके से गांधी जी का ये मानना था कि जो सच्चाई था उसको लास्ट में जीत मिलेगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वॉयलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। और महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि ये जो अहिंसा का जो धर्म है, ये हम सारे इंडियंस को एकजुट कर सकता है। After arriving in India, महात्मा गांधी successfully organized सत्याग्रह movement in various places। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग जगहों पे सत्याग्रह का मूवमेंट चलाया। इन 1916 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंस टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1916 में वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट आए बिहार के, जहाँ पे उन्होंने किसानों को मदद किया और वहाँ पे इंस्पायर किया उनको, वो किसान जो कि लड़ रहे थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। इसके खिलाफ, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। यानी 1916 के बाद 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का मूवमेंट एक किया
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ताकि वो वहाँ के जो किसान लोग हैं उनका मदद कर सके, अफेक्टेड बाई क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। तब उस समय 1917 में उनका जो अनाज का नुकसान हुआ था और जो प्लेग आया था उससे जो जूझ रहे थे, उन किसानों का इंस्पायर करने, उन किसानों का मदद करने के लिए 1917 में गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह का मूवमेंट चलाया। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रिवेन्यू। जो खेड़ा के किसान थे वो अपना टैक्स नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनका क्रॉप बहुत ज़्यादा फेल कर गया था और बहुत ज़्यादा नष्ट हो गया था एपिडेमिक के कारण, महामारी के कारण। एंड वेयर डिमांडिंग दैट द रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स। और वहाँ के पीजेंट्स का ये डिमांड था कि उनका जो टैक्स है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको कुछ माफ़ करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग कॉटन मिल वर्कर। 1917 के बाद 1918 को वो अहमदाबाद गए, जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर, यानी कॉटन मिल वर्कर्स वालों के परेशानी के लिए सत्याग्रह का मूवमेंट किया। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इससे हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।